इंशियन टाइम्स पर सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। रियासत कर्नाटक बेंगलुरु शहर की आवाम को फिर से एक मरतबा बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मौका जो बहुत ही कम लोगों को जो है मिलता है और नसीब वालों को ये मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आसारे मुबारक देखने का एक सुनहरा मौका जो हर साल की तरह इस मरतबा फिर से जो है लक्कर शाह की दरगाह में 30 तारीख के दिन रखा जाएगा। बहुत ही कम लोगों को, नसीब वालों को यह मौका मिलता है, क्योंकि हमारे नसीब में बाहर जाकर, बाहर देशों में जाकर इस तरह की चीजें देखने का मौका नहीं मिलता। तो हमारे इस शहर में बेंगलुरु के अंदर लक्कड़ शाह की दरगाह में इस मर्तबा फिर से जो है आसारे मुबारक को लाया गया है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी, शायद ही वो जो है हमारे नसीब में लिखा गया है। तो ऐसे सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आप इस वीडियो को देखकर अपने दोस्त अहबाब को भी दिखाना, ताकि कोई भी एक इसका फायदा उठा सकता है। तो 30 तारीख के दिन शाम में लक्कड़ शाह की दरगाह में आकर आप लोग जो है आसारे मुबारक का दीदार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहु। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी चौथवा साल है, फोर्थ ईयर है। माशाल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत सैयद शाह हसन मोहम्मद शमशुल हक अल हसनी वल हुसैनी जीलानी कदसल्लाहु अलैहि अजीज का जो है योम विलादत मनाया जा रहा है, माशाल्लाह खानखाह आलिया कादरिया हक्कानिया शमशुल औलिया में बतारीख 30 दिसंबर 2023 बरोज हफ्ता शाम 5 बजे से सुबह के 3 बजे तक हर साल 250 तबरुकात की ज्यारत करवाई जा रही है। पिछले 2 साल से पहली मर्तबा जब हम लोगों ने तबरुकात की ज्यारत करवाई तो वो 40 थे, फिर दूसरी मर्तबा जब हम लोगों ने तबरुकात की ज्यारत करवाई तो वो 150 के करीब थे, तीसरी मर्तबा जब हम लोगों ने मैंने जब ज्यारत करवाई तो 250 तबरुकात है, जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जुब्बे मुबारक, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के जो है मिसवाक मुबारक जिसमें लुआबे दहन है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नक्शे कदम मुबारक है, जुल्फे मुबारक है, कमली मुबारक है, चादर अकदस की, खबर अकदस की चादर मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर अकदस की मिट्टी मुबारक है, और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो है नालेन मुबारक है। बीबी आयशा बीबी फातिमतुज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला ना अपने हाथों से टोपी बोई थी, वो टोपी मुबारक है, और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु ताला नु हुमा अजमाइन के जो है नालेन मुबारक है, और आपके जो है कमली मुबारक है, और पीरा नबी दस्तगीर रज़ी अल्लाहु ताला नु के जो है नालेन मुबारक है और प्याला मुबारक है, और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा अजमाइन के जो है नाखून मुबारक भी है माशाल्लाह। ऐसे 250 तबरुकात की ज्यारत करवाई जा रही है बरोज़ हफ्ता 30 दिसंबर शाम 5 बजे से सुबह के 3 बजे तक खानखाए आलिया कादरिया हक्कानिया शमशुल औलिया में बेंगलोर मस्जिद लक्कड़ शाह मस्जिद में कॉटन पेट मेन रोड बेंगलोर 53। वक्त शाम 5 बजे से सुबह के 3 बजे तक 50,000 लोगों का जो है बंदोबस्त किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मीठे का बंदोबस्त है, तनावले ताम का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ मीठे का। तब हर साल शरबत का था, ठंड ज़्यादा होने की वजह से मीठे का बंदोबस्त किया गया है। तबरुकात की ज़ियारत का मकसद क्या है? तमाम देखिए, आज इतने आशिकीन हैं माशाल्लाह, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ रसूल इतने हैं, एक वक्त हर किसी की इतनी मेरी देख लो, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि इतने लाखों रुपए डाल के मैं कहीं जाके ज्यारत कर सकूं। तो मेरा मकसद यह है कि तमाम आशिकाने रसूल, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने औलिया, आशिकाने आइमा इकराम, तमाम आशिकीन को जो है एक जगह इकट्ठा करके तमाम 250 तबरुकात की ज्यारत करवाना मेरा मकसद है, ताकि इसमें सुन्नियत का काम बढ़ते रहे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नजर करम होते रहे। खास मेहमान अभी तो फिलहाल 2 सिंगापुर से मेहमान आ चुके हैं, अभी तुर्की के जो है गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे भी आ रहे हैं माशाल्लाह। बरोज आइंदा जुम्मा 28 तारीख की सुबह इंशाल्लाह तुर्की से आ रहे हैं, और सिंगापुर से जो है तकरीबन अभी 8 या 9 लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह। नहीं, उनका खिताब नहीं, मुरीदीन है, सिर्फ जियारत है बरोज हफ्ता।
अवामुन्नास के लिए जो है अदब एहतराम के साथ आए, वजू के साथ आए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आए। आप लोगों के लिए वक्त का बेहतरीन तरीके से इंतजाम किया गया है, शाम के 5 बजे से सुबह के 3 बजे तक आराम से इत्मीनान से सुकून से ज्यारत करें दरूद शरीफ पढ़ते हुए। पिछले साल जो है चंद आशिकीन लाइन में थोड़ा गड़बड़ किए, उन लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसा गड़बड़ ना करें थी पब्लिक को जो है कोई तय अदब एहतराम के साथ आए और रोडों पे पार्किंग करके अंदर ना आए, मैदान है, मैदान में आके पार्किंग करें, बाकायदा आके ज्यारत करें। अब देखिए इस साल जो है सिर्फ 3 साल से बेंगलुरु के आशिकीन आते थे, इस साल जो है माशाल्लाह टुमकुर की एक ग्रुप आई है, माशाल्लाह आके जो है पोस्टर्स लेके गए हैं। इस बार कल मैं जो है रामनगर, मंडिया, चंदपटना और मैसूर तमाम जो है पोस्टर्स को पूरा कल रात को पूरे पोस्टर्स देके आया हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट 50,000 है, अब बाकी का अल्लाह और उसके रसूल के हिफ्ज़-ओ-अमान में। औरतों के लिए भी अलग इंतजाम है, मर्दों का अगर खत्म हो जाए फिर औरतों का है, 100 मर्द 100 औरतें, पहले 100 मर्दों को छोड़ेंगे, जैसे ही मर्दों का खत्म हो गया 100 मर्दों का फिर 100 औरतों को छोड़ेंगे, ऐसा हिस्सा है। तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। हाँ, बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर बड़ी सी बड़ी तादाद, अगर हमारे को रात के 2 बजे भी अगर बड़ी तादाद नजर आ रही है तो हम लोग जो है फजर तक भी लेके जाने के लिए तैयार।